ज़्यादा शोधन कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वर्षा का क्षेत्र बदल गया है, बाढ़ आती है, पहाड़ टूट रहे हैं। आपकी दिव्य दृष्टि क्या कहती है, कहीं नजदीक में प्रलय आने वाली है, इस पर कुछ फिल्में भी बन चुकी। मैंने तो कई साल पहले कह दिया था कि आप जरा मार्गदर्शन करें। सुनिए, पहले ही कह दिया था महामारी आने वाली है, आ गई। हम एक संकेत करते हैं, सृष्टि की संरचना का और मानव जीवन की सार्थकता का जिनको ज्ञान है, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसका ज्ञान न हो और विकास को परिभाषित क्रियान्वित करें, इसी प्रकार की दिशाहीनता प्राप्त होती है। फिर से सुनिए, कोई भी देश क्यों न हो, व्यक्ति क्यों न हो, विकास को परिभाषित क्रियान्वित करने के पहले उसको यह जानकारी चाहिए कि सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है, तो मानव जीवन की सार्थकता किसमें सन्निहित है। ये जो विकास को परिभाषित करने वाले हैं, न इनको सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का ज्ञान है, न मानव जीवन की सार्थकता का ज्ञान है, इसलिए विकास के गर्भ से विनाश निकल रहा है। ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन अत्यंत क्षुब्ध हो गए हैं, कुपित हो गए हैं। चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धस गई है। यहाँ के हमारे आपके प्रमाद से चंद्रमा पर भी प्रभाव पड़ता है। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन कहाँ लिखा है, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2। बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने महासर्ग के प्रारंभ में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश संयुक्त जगत की रचना की और विविध स्थावर जंगम प्राणियों को भी प्रकट किया, उनके अभुक्त कर्मों का उन्हें फल प्राप्त हो इस भावना से। लेकिन मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च, धर्म अर्थ काम मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में समर्थता आ सके, मानव जीवन की अभिव्यक्ति का यही लक्ष्य है।